सो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग? तो यार हर कोई चाहता है अपने जो फ्री फायर का प्रोफाइल है ना, वो काफी ज्यादा यूनिक बनाना, काफी ज्यादा सुंदर बनाना। इससे जो बाकी के प्लेयर्स होंगे वो भी सोचेंगे भाई क्या ही सुंदर आईडिया है, क्या ही यूनिक आईडिया है, आज तक हमने ऐसा आईडी देखा ही नहीं। और सिंपल सी बात है, तुम्हारा प्रोफाइल देखकर हर एक बंदा बोल सकेगा तुम एक प्रो हो, क्योंकि यार आज तुम्हारा प्रोफाइल ही ऐसा बना दूंगा किसी ने सोची ना होगी। और हर एक लेजेंडरी प्लेयर्स के जैसे तुम्हारा आईडी हो जाएगा। और बहुत लोग सोचेंगे भाई इसमें तो खर्चा भी होगा, बट हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अरे यार इस बात का क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, तुम एकदम 101% एक यूनिक प्रोफाइल बना लोगे फ्री में। तो फ्री फायर का यहाँ पर एपिक ऑसम यूनिक प्रोफाइल बनाने के लिए तुम्हारा थोड़ा सा मेहनत चाहिए। तो चलो अभी हम और टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे जो यूनिक प्रोफाइल है उसको हम बना लेते हैं। तो हमारा यूनिक गुड प्रोफाइल बनाने के लिए जो पहला चीज को हम ठीक करेंगे वो है हमारा नाम। तुम नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम जो नाम है उसको बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टाइल करने के चक्कर में ओवर स्टाइल कर देते हैं। तुम खुद ही एग्जांपल देख सकते हो। तो अभी फ्री फायर में इतना ज्यादा स्टाइलिश नेम लिखने का जो ट्रेंड है वो नहीं है। देखो पहले बहुत सारे लोग करते क्या थे, एकदम स्टाइलिश नाम लिखते थे, अच्छा लगता था क्योंकि पहले थोड़ा सा यूनिक था। तो अभी अगर तुम्हारा जो नाम है तुम ऐसे लिखते हो ना, तो एकदम ही लोग नूब के कैटेगरी में तुमको दे देंगे, प्रो नहीं सोचेंगे। तो अभी तुमको ऐसा नाम लिखना है जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगे और स्टाइलिश भी हो थोड़ा। अभी देखो मैंने जो नाम लिखा है ना, ऐसा नाम लिखा है जो स्टाइलिश भी है और लोग अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे क्या लिखा है। तो तुमको भी कुछ ऐसा ही नाम डिजाइन करना है जो थोड़ा सा सुंदर भी हो, लोग अच्छे से समझ भी पाए। सो नेक्स्ट तुमको जब बायो होता है उसको अच्छे से लिखना है। देखो बायो में तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा का यूट्यूब चैनल है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट है उसका बारे में भी लिख सकते हो, बट तुमको ऐसा कुछ नहीं लिखना है जिससे तो सामने वाला बंदा होगा वो गुस्सा हो जाए। और तुम अगर एक यूनिक बायो ढूंढ रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा तुम इंडोनेशिया सर्वर, नहीं तो ब्राजील सर्वर, नहीं तो मीना सर्वर, इन सर्वर में जाओ, वहाँ पर जो प्लेयर्स होता है ना उनका बायो चेक करो। वहाँ पर जिस भी प्लेयर का जो भी बायो तुमको पसंद आए उसको कॉपी करके बनाने का ट्राई करो, फिर अपने बायो पे लगा लो। और तुम अगर एक पुराने प्लेयर हो ना, तुम्हारे पास एक यूनिक और अच्छा बैनर और लोगो तो रहेगा, तो उसको लगा लो। और तुम अगर एक न्यू प्लेयर हो, तुम्हारे पास पुराने अच्छे अच्छे लोगो बैनर्स नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको लेवल अप करने पे तुमको बैनर्स मिलते हैं, तो उन बैनर्स को तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बैनर बहुत ही कम प्लेयर्स यूज करते हैं और तुम लोगो कुछ भी लगा सकते हो बट देखने में अच्छा खासा हो। अभी आते हैं हमारे बैजेस पे। देखो हमारे जो इलाइट पास होता है वो अगर तुम बाय करते हो नहीं करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हर मंथ इलाइट पास आता है, तो बहुत सारे लोग करते क्या है, एक मंथ में कलेक्ट करेंगे 220 बैजेस, तो दूसरे मंथ फिर न्यू इलाइट पास आएगा तब बैजेस करेंगे 216 बैजेस, नहीं तो 112 बैजेस। तो यहाँ पर तुम इलाइट पास का जो बैजेस होते हैं ना उसमें कोई लिमिट सेट नहीं करते हो, इससे सब लोग के तरह ही तुम्हारा जो इलाइट पास का सेक्शन है वो लगता है। बट तुम अगर चाहो ना, तुम अपने जो बैजेस वाला सेक्शन होता है उसको बहुत ही यूनिक बना सकते हो। बट यार ये देखो, ये है अपीला पैतो का आईडी। देखो यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर 111 करके बैजेस है। और जब तुम इलाइट पास परचेज कर लोगे तब तुम इलाइट पास वेस्ट नहीं करने वाले हो, तुमने पैसे देकर परचेस किया है तब यार मिशन सब कम्प्लीट कर लेना और जो बंडल्स होंगे उनको क्लेम कर लेना। बट जब तुम्हारे पास फायर पास होगा, यानी कि तुम इलाइट पास परचेस नहीं की होंगे, तब तुम क्या कर सकते हो, तब अपने जो बैचेस है उसको 1 कर सकते हो, नहीं तो 1-1 रख सकते हो, नहीं तो 111 रख सकते हो। तो इससे जो तुम्हारे प्रोफाइल का जो इलाइट पास के बैचेस वाला सेक्शन है ना वो काफी ज्यादा यूनिक लगेगा। तो अभी हमारे प्रोफाइल में जो कैरेक्टर शो करता है उसको भी तो यूनिक बनाना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा। अभी देखो तुम चाहो तो मैक्सिम ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिम देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। अभी तुमको ऐसा एक ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो काफी ज्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन हो और कोई भी ज्यादातर यूज नहीं करता। तो तुम अगर एक पुराने प्लेयर हो ना, तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें रहेंगे जो पुराने प्लेयर्स के पास ही होगा। अब इन पुराने आइटम से तुमको एक प्रोफेशनल ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, याद रखना ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अभी इसके बाद आता है रैंक पुश। देखो तुम चाहो तो रैंक पुश कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में तुम रैंक पुश कर सकते हो। और तुम अगर हीरोइक मास्टर ग्रैंड मास्टर कुछ भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारा जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। और फ्री फायर ने बहुत ही पहले एक आइटम निकाला था प्रोफाइल के लिए, उसका नाम है बैटल स्टाइल। देखो बैटल स्टाइल भी तुमको अच्छा खासा रखना पड़ेगा। अभी तुम जो भी बैटल स्टाइल यूज कर रहे हो ना उसको तुमको करना पड़ेगा पर्पल, नहीं तो करना पड़ेगा गोल्ड। अभी तुम्हारे प्रोफाइल में ये चीजें सब लोग नोटिस करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा लेवल है, तुम्हारा लाइक। अभी तुम्हारा जो लाइक है वो मिनिमम तुमको 1000 करना पड़ेगा और जो लेवल है वो कम से कम 50 करना पड़ेगा, नहीं तो लोग नू भी बोलेंगे तुमको। वैसे लेवल एंड लाइक के लिए एक सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल पे, तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो यार वीडियो को देख लेना। बट अभी एक शॉर्ट ट्रिक तुमको बोल देता हूं, तुम अगर लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो ना, तब तुमको खेलना पड़ेगा बीआर रैंक मोड। एंड तुमको अगर लाइक्स इंक्रीज करना है तुमको खेलना पड़ेगा क्लास स्क्वाड, क्योंकि तुम अगर बीआर रैंक मोड खेलते हो तुमको 20% एक्स्ट्रा एक्सपी मिलेगा और एक्सपी पॉइंट से हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो देखो तुमको अगर 20% एक्स्ट्रा एचपी पॉइंट्स मिलता है ना, इससे तुम्हारा जो लेवल है वो और भी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। और तुम्हें खुद ही क्लास स्क्वाड का मैच लगा लेना, तुम खुद ही नोटिस कर पाओगे तुमको ज्यादा लाइक मिल रहा है, तुमको कम से कम 2-3 बंदे तो लाइक दे ही देंगे। और तुम अगर बहुत ही अच्छे खेलते हो ना तुमको 8 लाइक तक मिल सकते हैं। तो भाई लोग आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तुम अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हो सके तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फेसबुक है तो फेसबुक पेज को कर देना फॉलो। और तुमको अगर कोई हेल्प चाहिए, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का मैं पूरा ट्राई करता हूँ। तो यार चलो बाय बाय।